हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे गुड़ की रसमलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड़ की रसमलाई बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध यानी 1.5 लीटर दूध का मैंने छेना निकाल के रखा है। छेना निकालने का तरीका मैंने पहले भी डाला है, मैंने रसगुल्ले वाली रेसिपी में बताया है कि घर पे छेना आप किस तरीके से निकाल सकते हैं मिठाई के लिए। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस से हमें निकालना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका छेना ड्राई नहीं होना चाहिए। मैंने फुल क्रीम दूध का छेना निकाला है जिससे आपकी रसमलाई का जो रसगुल्ला होगा बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये आप ड्राई भी नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई हो गया है तो उसमें आप 2 चम्मच दूध भी उसमें मिला सकते हैं। तो मेरा छेना ड्राई नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने इसे मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच मैदा और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। 1 चुटकी से जरा सा भी ज्यादा ना डालें, नहीं तो आपका छेना का रसगुल्ला जो आप बनाएंगे वो टूट जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद अब हम इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथ की हथेलियों की मदद से इसे बहुत अच्छे से रब करेंगे ताकि इसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए, और इसे बहुत अच्छे से मस लेंगे। तो अब हम अपने हाथ की हथेलियों का यूज करेंगे और आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमें किस तरीके से इसे मसलना है। इसमें किसी भी तरीके का दाना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका सॉफ्ट सा डो अब तैयार हो गया है। मैंने इसे बहुत अच्छे से मसल लिया और इसमें कोई दाना भी आपको नहीं दिख रहा होगा। अब हम जितनी बड़ी रसगुल्ले आपको बनानी है उतनी बड़ी लोई ले लें, उसे रब करें और उसे शेप दे दें। गोल या लंबा ये आपके पसंद पर निर्भर करता है कि आपको किस तरीके की रसमलाई बनानी है। तो मैंने इसे सिलेंडर से दे दिया है, आप अपने पसंद का कोई भी शेप आप इसमें दे सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे से इसे मसल लें। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे और आप इसे किसी गीले कपड़े से ढक दें ताकि ये ड्राई ना हो। तो चलिए अब आगे का तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई मैंने ले लिया, उसमें 4 कप हम पानी डालेंगे। अभी हमें बनानी है चाशनी। तो अब हमने 4 कप पानी में, अब 1 कप हम डालेंगे इसमें चीनी। मैंने गैस को भी ऑन कर लिया। अब हम आने देंगे इसमें उबाल, हम इसे अच्छे से चला लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, अब उबाल आना शुरू हो गया है तो सारे छेने की जो लोई हमने बनाई है सब इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे और गैस की आंच को हम कर देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे उबालेंगे। तो मैंने कर दिया है, अब हम इसे ढक करके उबालेंगे लगभग 15 मिनट। और ये 15 मिनट तक अब हम इसे ना हिलाएंगे ना हम इसे छुएंगे, इसे ढक करके छोड़ दे 15 मिनट के लिए उबलने के लिए। आप देख सकते हैं ये 15 मिनट हो गया है और साइज में भी आपको अब ये डबल दिख रहा होगा। तो अब हम इसे हिला लेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। अब फिर से हम इसे ढक देंगे और अब हम इसे 10 मिनट और उबलने देंगे। फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है। अब हो गया है 10 मिनट, आप देख सकते हैं चाशनी भी बहुत गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। दूसरा कढ़ाई हम लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध और इसे हम थोड़ा हिलाएंगे। और अब उबाल आने के बाद अब हम इसमें इसे 5 मिनट और उबालेंगे। इसमें इसी बीच मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया है ताकि हमारा दूध गुड़ या छेना डालने से फटे ना। और इसे हम मिक्स करेंगे, इसे हमें हल्का गाढ़ा कर लेना है।
तो उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद भी हम इसे 5 मिनट और चलाएंगे और साइड साइड में आप जो मलाई देख रहे होंगे जो जम जाती है उसे हम निकालते भी जाएंगे साथ में। और यहाँ हमारा हो गया है छेना पूरी तरीके से ठंडा, तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा दबा करके इसका चाशनी निकालेंगे। हमें बहुत लाइट हैंड से इसे करना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये टूट सकता है। और इसे निकाल के अब हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। हमारी दूध भी आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ा हो गया है। धीरे धीरे हम यही प्रोसेस करेंगे, सारे छेने के रसगुल्ले को हम हल्का हल्का चाशनी दबा के निकालेंगे और दूध में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने सारे दूध को में ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसे बहुत लाइट हैंड से ऊपर नीचे करेंगे। फ्रेंड्स, रसमलाई के जो रस होता है बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसे गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। इसे हल्का पतला ही रखना है हमें और साइड साइड से मलाई भी निकालते जाए। तो मैंने इसमें डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे ऊपर नीचे हिला लिया है और हम इसे 2 से 3 मिनट उबलने भी देंगे साथ में। आप देख सकते हैं ये उबल गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे मीठा। मीठा करने के लिए मैंने खजूर गुड़ का यूज किया है। जो ठंड का सीजन आ गया है, मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। मैंने आधा कप खजूर गुड़ लिया है, आप स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे डाल देंगे दूध में और इसे हल्का हल्का हिला लेंगे ताकि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि गुड़ दूध के साथ जब मिक्स होगा तो आप उसका देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, हमारा दूध का कलर अब रेड हो गया है। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट और उबाल लिया है। अब फ्रेंड्स, ये हो गया है हमारा। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम होने देंगे पूरी तरीके से ठंडा। तो इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हो गया है ठंडा। तो अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके का बना है। और ये गुड़ का है तो बहुत ही टेस्टी बना है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और आप देख सकते कितना सॉफ्ट है कि बहुत आसानी से ये कट भी गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और ट्राई करने वाले, अगर आप ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें ताकि इसी तरीके से नई और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।